प्रदेश की सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी लगातार विवादों में घिरते जा रही हैं। ऐसे में विपक्ष भी योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते अब यूपी कांग्रेस ने सीएम योगी के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कार्यालय पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी से बेसिक शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। पंजाब केसरी संवाददाता से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि योगी सरकार मंत्री सतीश द्विवेदी को बचा रही है, लेकिन उनके मंत्री पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है, आइए जानते हैं इनसे किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है। सर, आज यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आखिर बेसिक शिक्षा मंत्री पर मेहरबान करें। 40 बड़े घोटाले इस सरकार में हुए हैं और बेसिक शिक्षा में तो एक से एक बड़े बड़े कारनामे हैं। खुद बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई EWS दिखाकर उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी खुद प्रोफेसर, उनके भाई की पत्नी खुद प्रोफेसर है। 24 लाख रुपया 2016-17 में उन्होंने अपना आय दिखाया था, 17 लाख खुद सतीश द्विवेदी का। चुनाव आयोग में जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया था तो 36 लाख रुपया उनकी चल संपत्ति और 76 लाख रुपया अचल संपत्ति सरकार को इन्होंने दिखाने का काम किया था। 1,26,00,000 की जमीन कौड़ी के बाद दबाव बनाकर 28 लाख में इस सरकार के मंत्री ने लिखवाने का काम किया। मिर्जापुर का मिड डे मील याद होगा आपको, कैसे एक नौजवान पत्रकार जिसने रोटी और नमक के सवाल को उठाया था मिड डे मील योजना के अंतर्गत, सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवाने का काम किया था। आगरा का प्रकरण याद होगा, एक शिक्षिका नामिका शुक्ला 1 करोड़ रुपए से अधिक उसने 28 जनपदों में नौकरी अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी नाम बनवाकर 1 करोड़ से अधिक रुपए का घपला करने का काम इसी सरकार के मंत्री जी कार्यकाल में हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां दलित और पिछड़ों के हक पर डाका डालने का काम इस सरकार ने किया था, और 1621 शिक्षक अभी पंचायत चुनाव के दौरान काल के गाल में समा गए और ये मंत्री जी को मात्र 3 दिखता है। इन सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहां आंदोलन पर बैठी है। जब तक ये मंत्री जी बर्खास्त नहीं हो जाते और बिना वैक्सीनेशन परीक्षा होने की न होने की घोषणा सरकार नहीं करती, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे देखिए PL पुनिया जी भी पूर्व सांसद धरने पर बैठे हैं और सभी हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में आज ये आंदोलन चल रहा है। सरकार तत्काल बेसिक शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे, उनके आय की संपत्ति की जाँच कराए और बिना वैक्सीनेशन परीक्षा न कराने का आदेश जारी करें। तो ये थे अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे। राजधानी लखनऊ से पंजाब केसरी TV के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।